अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अल्लाह नूर बलोच इस वक्त सुप्रीम कोर्ट से बराए रास्त आप लोगों से मुखातिब हूँ। आज एसबीके पास कैंडिडेट्स की केस की आखिरी समाअत थी। एसबीके केस के जो वकील थे ख्वाजा आरिस, उन्होंने अपने दलाइल का आगाज़ किया। शुरू में उन्होंने अपने तमाम जो दलाल उन्होंने पहले दिए थे तफसील से, फिर से उन्होंने अपने दलाल से जज साहब को मुतमईन कराया। उसके बाद जो है जज साहिबान ने, जो तीन जज साहिबान थे, उन्होंने बायजीद खान खरोटी और मोहम्मद नईम, चूँकि तीसरा फरीक जो खैर मोहम्मद मरी था वो अब्सेंट था, उनसे बारहा इस्तफसार किया कि आपके पास ऐसी कोई सबूत है कि करप्शन हुई है, इसके अलावा आपके पास कोई ऐसी कागज़ी सबूत है कि टेस्ट एसबीके ने नहीं बल्कि सीटीएसपी ने कंडक्ट करवाया है। तो उनके पास किसी किस्म की कोई भी सबूत मौजूद नहीं था, चूँकि ख्वाजा आरिस साहब ने अपने दलाइल में ये कहा था कि उन्होंने जो दावा किया है उनका दावा सिर्फ़ और सिर्फ ज़बानी कलामी है, उनके पास ऐसी कोई सबूत नहीं है। चूँकि गवर्नमेंट ने टेंडर किया था, टेंडर एसबीके ने जो है भर लिया था और तमाम जो प्रोसेस था वो कानूनी दायरे कार में हुआ था, ऐसी कोई सबूत मौजूद नहीं है कि टेस्ट एसबीके ने नहीं बल्कि सीटीएसपी ने कंडक्ट करवाया है। तो जज साहिबान ने मुतमईन होकर अल्हम्दुलिल्लाह पास कैंडिडेट के हक़ में फ़ैसला दिया है। तमाम पास कैंडिडेट्स को मुबारक हो। जज साहिबान का ये आर्डर है कि रिज़ल्ट जल्द जारी किए जाएँ और जितनी जल्दी हो सके तमाम पास कैंडिडेट्स के आर्डर जारी किए जाएँ। शुक्रिया, वस्सलाम।